And to a brand new of fin Paisa. आज के एपिसोड में हम रिस्क और रिटर्न के रिलेशनशिप को समझेंगे पहले रिस्क के कॉन्सेप्ट को थोड़ा डिटेल में समझते हैं रिस्क और एक्सपेक्टेड रिटर्न ये दोनों की डेट्रीमेंट हैं एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए रिस्क इन्वेस्टमेंट के रेट ऑफ रिटर्न में होने वाली वेरिएबिलिटी से एसोसिएटेड है रिस्क को मेजर कोएफिशिएंट ऑफ रेंज वेरिएंस स्टैंडर्ड डिविएशन के थ्रू किया जाता है गाइज इन्वेस्टमेंट्स में जो रिस्क इन्वॉल्व होती हैं वो कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती हैं जैसे कि मेच्योरिटी पीरियड जितना ज्यादा मेच्योरिटी पीरियड है उतना ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है इन्वेस्टमेंट्स में क्रेडिट वर्दीनेस ऑफ द इश्यूअर ऑफ सिक्योरिटीज सिंपल टर्म से बात करें तो ये एक बॉरवर की अबिलिटी होती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट रीपे करने की इससे इन्वेस्टमेंट को सेफ्टी मिलती है और रिस्क रिड्यूस होता है इंस्ट्रूमेंट्स या सिक्योरिटी के नेचर से भी रिस्क डिटरमिन होता है जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और फिक्स डिपोजिट जो बैंक के साथ होते हैं वो लेस रिस्की या रिस्क लेस कैटेगरी में आते हैं जबकि कॉर्पोरेट डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि डिबेंचर्स गवर्नमेंट बॉन्ड्स से थोड़े रिस्क होते हैं और इक्विटी ओनरशिप इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि इक्विटी शेयर्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं सो सिक्योरिटीज रिस्की हैं या नहीं ये उनके नेचर पर भी डिपेंड करता है

एक मेजर फैक्टर जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन से रिलेटेड है वो है रेट ऑफ रिटर्न की एक्सपेक्टेशन रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाई इन्वेस्टर्सिस्ट ऑफ यील्ड एंड कैपिटल को डिटेल में समझते हैं इन्वेस्टमेंट का मतलब है पोस्टोन कंजन पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्शन और टाइम प्रेफरेंस ऑफ मनी दोनों ही सिनोनिमस कॉन्सेप्ट है इंडिविजुअल की प्रेजेंट कंजम्शन को फ्यूचर कंजम्पन में कन्वर्ट करते हैं इस पोस्टपोनमेंट के लिए इंडिविजुअल्स को कंपनसेशन पे करना पड़ता है और इसको टाइम प्रेफरेंस फॉर कंजम्पशन कहते हैं कंपनसेशन पॉजिटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न होना चाहिए रियल रेट ऑफ रिटर्न जनरली इक्वल होता है टू द रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है रेट ऑफ रिटर्न को एक और मेजर फैक्टर अफेक्ट करता है जो है इन्फ्लेशन

3% पर एनम होगा और एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट होगा 3% पर एनम अगर ए को रियल टाइम रेट के हिसाब से ही रिटर्न्स मिलते हैं तो उन्हें रुपीज ₹103 मिलेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर सो इस केस में रियल रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर रिसीव करता है वो इक्वल टू जीरो है क्योंकि ये 3% रिटर्न इन्फ्लेशन रेट को मैच करता है जो है 3% अगर एक्चुअल इन्फ्लेशन रेट 3% से ऊपर है तो ए नेगेटिव रिटर्न सफर करेंगी सो so, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न ऑन अ रिस्क फ्री एसेट इज इक्वल टू द टाइम प्रेफरेंस रियल रेट प्लस एक्सपेक्टेड इन्फ्लेशन रेट जनरली गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के चांसेस ऑफ डिफॉल्ट जीरो होते हैं क्योंकि इन्वेस्टर ने गवर्नमेंट को लोन दिया है लेकिन और किसी इन्वेस्टमेंट में रिस्क होगा और इसीलिए रिस्क प्रीमियम का एक्सपेक्टेशन होगा ओवर द अबव अब रेट ऑफ रिटर्न

सेल प्राइस और परचेस प्राइस के डिफरेंस को कैपिटल अप्रीसिएशन कहा जाता है और इंटरेस्ट एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस को यील्ड कहा जाता है हम बिलो हैं रेट ऑफ रिटर्न आई टी प्लस पी टी माइनस पी टी माइनस वन डिवाइडेड बाई पीटी माइनस वन वेयर आर इक्वल्स रेट ऑफ रिटर्न पर टाइम पीरियड टी आई टी इनकम फॉर द पीरियड

IT डिवाइडेड बाय PT 1 को करंट यील्ड कहते हैं PT minus PT 1 डिवाइडेड बाय PT 1 को कैपिटल गेन यील्ड कहते हैं और ROE इक्वल्स करंट यील्ड प्लस कैपिटल गेन यील्ड भी कह सकते हैं सो so अब तक हमने रिस्क रिटर्न्स रिस्क एंड रिटर्न्स का रिलेशन इन तीनों टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया है अब हम एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि रिटर्न को कैसे कैलकुलेट किया जाता है एग्जाम्पल वन कॉर्पोरेट बॉन्ड का प्राइस एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर है रुपीज नाइनटी एंड ऑफ द ईयर में प्राइस है रुपीज नाइनटी इंटरेस्ट रिसीव्ड इक्वल्स रुपीज थर्टीन रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स ब्रैकेट थर्टीन प्लस ब्रैकेट नाइनटी माइनस नाइनटी

मिस्टर ने ने 100 शेयर्स किए ऑफ़ 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 काइनेटिक लिमिटेड इन 2005 एट पर शेयर। शेयर कंपनी डिविडेंड किया द द द रेट फॉर ईयर टू मार्केट प्राइस है ऑन 14 सिक्स और में सो अब हम एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन द इन्वेस्टमेंट फॉर 2006 टू 2007 कैलकुलेट करते हैं डिविडेंड रिसीव्ड फॉर 2004 2005 इक्वल्स 10 into 40 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स ₹4 कैलकुलेशन ऑफ एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर 2006 2007 आर इक्वल्स (d1 plus p1 minus p0) डिवाइडेड बाय p0 इक्वल्स 4 Plus, bracket 128 minus 104 divided by 104 0.269 26.9 equals 26 so, इस से आप समझ सकते हैं कि एनुअल रेट ऑफ रिटर्न कैसे कैलकुलेट करते हैं Guys, मेरी तरफ से फिलहाल इतना ही थैंक यू फॉर मैं आपको इसी मॉड्यूल के अगले एपिसोड में मिलती हूँ